हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिट 13 का वर्कशीट 1 वॉल्यूम चैप्टर का। देखिए वॉल्यूम होता क्या है, देखिए अभी तक हम सीखे हैं ये क्या होता है। इसका ये जो चारों तरफ का जो बाउंड्री होती है, इसको साइड को ऐड करेंगे तो क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है। ओके, और इसके एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जो एरिया है टोटल, ये जो जगह घेरता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया। ओके, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जब इसके जैसे इसका 3D पिक्चर बनाएंगे, ओके ये जो टोटल एरिया होता है इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ओके, जैसे ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स पे क्या है, ये टोटल जो इसके अंदर का जो एरिया है टोटल, ओके इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये जो होती है हाइट, इसके अंदर जो जगह होगा वो क्या होता है, वॉल्यूम। ओके, इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वॉल्यूम। ओके, देखिए ए में क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल, तो कौन सा ज्यादा एरिया वॉल्यूम होगा, क्रिकेट बॉल का। ओके, जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, क्रिकेट बॉल बड़ा होता है, लिखेंगे क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, लेमन और वाटरमेलन। देखिए लेमन और वाटरमेलन में कौन सा बड़ा होता है, वाटरमेलन बड़ा होता है, लेमन बहुत छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, 1/2 हाफ लीटर पॉलीपैक और ऑफ मिल्क और 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क। देखिए यहां पे वॉल्यूम दिया भी हुआ है, वो हाफ लीटर बोला है, यहां पे 1 लीटर बोला है, तो कौन बड़ा होगा, 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट हैज लेसर वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, उसमें से किसका वॉल्यूम कम होगा वही बताना है। देखिए मैथ बुक, बुक और मैच बॉक्स दोनों में एरिया वॉल्यूम किसका कम है, मैच बॉक्स का कम है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बी है, देखिए टप है, बाल्टी है, दोनों में किसका वॉल्यूम कम है, बाल्टी का वॉल्यूम कम होगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो सूटकेस है, छोटा एक बड़ा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और किसका कम होगा, देखिए छोटे वाले का कम होगा वॉल्यूम, आंसर क्या होगा हमारा, सी का फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सही है वो लिखना है, ए क्रिकेट बॉल एंड ए फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम। ओके, देखिए फुटबॉल बड़ा होता है, क्रिकेट बॉल छोटा होता है, दोनों का बोला है हैव सेम वॉल्यूम, नहीं ये गलत है, क्या लिखेंगे, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट बी आंसर लिखेंगे, एन एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज लेस वॉल्यूम देन ए चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड सेफ फुल ऑफ चॉक। ओके, देखिए क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है, मैच बॉक्स है, इसमें अगर हम जैसे तीली होती है, अगर भरा रहेगा तो भी उसका वॉल्यूम वही रहेगा और खाली रहेगा तो भी उसका वॉल्यूम वही रहेगा, तो इसमें बोला है लेस वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, 2 ऑयल कैन ऑफ सेम साइज, 1 एम्प्टी एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव द सेम वॉल्यूम। ओके, देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगर ये फुल रहेगा तो भी इसका वॉल्यूम वही रहेगा और खाली रहेगा तो भी इसका वॉल्यूम वही, जगह उतना ही घेरेगी ये। ओके, ये ट्रू होगा, सी का क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके,